सुपौल जिले की पुलिस ने शादी का झांसा देकर परिवार से लूट करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। बता दें कि बारूड थाना अंतर्गत जलालाबाद की झाबुआ के प्रेमी अजय ने अपनी प्रेमिका को बहन बताकर देवास के एक परिवार को लूटने की योजना बनाई और गहने बनवाने के नाम पर परिवार को बारूड थाना क्षेत्र के एक गांव बुलाया और साथी के साथ मिलकर हमला कर उन्हें लूट लिया। लिहाजा घटना के बाद पुलिस अधीक्षक शैलेंद्र सिंह ने मामले की पड़ताल कर लुटेरी दुल्हन सहित 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिनसे 92,000 रुपए नकद सहित सोने के झुमके बरामद किए। वहीं फरार आरोपियों को जल्द पकड़े जाने की पुलिस ने बात कही है। ये उसमें बारूड थाने में 7 तारीख को एक घटना हुई थी, जिसमें कुछ लोगों ने शादी का झांसा देकर दुल्हन के नाम पे उसके गहने तैयार करवाने के नाम पे जो परियारी था, जो हाजी के लिए देवास से रहने वाला था, उसको बुलाया था। और जब वो यहाँ पहुँचा तो उनसे उन्होंने उनके साथ लूट की और करीब 1,10,000 रुपये की नकदी और साथ में जो उनके आभूषण थे उसकी चोरी की। तो जब पुलिस को ये सूचना मिली उन्होंने आगे रिपोर्ट की, तो पुलिस ने ऐसा मामला दर्ज किया और पूरे घटनाक्रम में पुलिस ने अपनी जांच करते हुए पहले पता लगाने का किया कि कौन लोग हैं जिन्होंने घटना को अंजाम दिया, क्योंकि कड़ियों से कड़ियों को जोड़ते हुए उसने पूरे मामले में करीब 10 लोग हैं जिनको आइडेंटिफाई किया जिन्होंने घटना को अंजाम दिया था। और इसमें सिर्फ 8 लोगों को पुलिस ने राउंडअप किया है, इनमें से ऐसे करीब 92,000 रुपये जो है उसकी रिकवरी हुई है, जो आभूषण रहते वो और 3 मोटरसाइकिल उनसे जब्त हुई, और 8 लोगों में जो मेन इसका मास्टर माइंड था वो और जो महिला उसकी प्रेमिका थी जिसको उसने शादी के लिए दिखाया था, जिसके चलते ये लोग फरियादी लोग जो आए थे आभूषण तैयार करवाने उनको और उनके साथ के जो अन्य साथी थे जिन्होंने बेटी को अंजाम दिया था उनको पुलिस ने राउंड अप के दो रह गए हैं जिनको। बुलेटिन में बस इतना ही, बाकी की तमाम छोटी बड़ी खबरों से रूबरू होने के लिए देखते रहिए भारत न्यूज़ टीवी खबरों की पड़ताल। नमस्कार।